वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ओनली ऑन द टॉपिक कोलिजन थियरी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू इट। सो बेसिकली ये जो थियरी है, कोलिजन थियरी है, ये दो साइंटिस्ट ने डेवलप की थी जिनका नाम है मैक्स क्रॉज एंड विलियम ल्यूइस। ओके, इन दोनों ने 1916 से 1918 के टाइम स्पैन के बीच में ये थियरी को डेवलप किया था। ओके, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एनर्जी और मैकेनिक्स के बेसिस पे है। ओके, जब मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं और वो रिएक्ट तभी करते हैं जब उनके बीच में कोलिजन्स हो तभी वो प्रोडक्ट गिव कर सकते हैं। ओके, और इस केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड और यूनिट वॉल्यूम, उसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, और जो दूसरा फैक्टर होता है रेट को अफेक्ट करने के लिए, वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो हमने अरहेनियस के टाइम पे पढ़ा हुआ था। ओके, सो कोई भी बायमोलेक्युलर रिएक्शन है, जैसे कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। सो इसका रेट क्या होगा? इसका रेट होगा जेड ए बी, ये प्रोडक्ट इनका, जेड हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड ए बी इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी माइनस ई ए अपॉन आर टी, जिसमें जो ये जेड ए बी है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और ए बी जो है उसकी एनर्जी इक्वल होगी। ओके, उसकी एनर्जी इक्वल होगी, अंडरस्टैंड? सो और जेड ए बी में जो ए है वो अरहेनियस कॉन्स्टेंट से रिलेटेड है। ओके, और इसमें जो कोलिजन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, और प्रॉपर डायरेक्शन हो सो जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होंगे और फॉर्म करेंगे न्यू बॉन्ड्स। ओके, और उस टाइप के कोलिजन्स को हम कहेंगे फ्रूटफुल कोलिजन्स। ओके, और एग्जाम्पल हम ले कि प्रिपेरेशन ऑफ मीथेनॉल फ्रॉम ब्रोमो इथेन। हाँ, ये रहा, ये है सेकेंड, प्रिपेरेशन ऑफ मीथेनॉल फ्रॉम ब्रोमो
इथेन, ओके ये है उसका एग्जाम्पल, ये ब्रोमो इथेन, ये ओ एच, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा प्रॉप, जस्ट सेकेंड, ये होगा प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओके ये ओ एच यहां जाएगा, ये प्लस डेल्टा बनेगा, ये माइनस डेल्टा बनेगा, ये है एडक्ट, ये है एडक्ट, ओके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी प्रोसेस है वो हम देख नहीं सकते, पर ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है जिसे कहते हैं एडक्ट, और हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, और ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है जिसमें ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, ये माइनस ओ एच प्लस, इसमें हम प्रोडक्ट, इसमें हमें प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, ओके अगर इसमें एक और पैरामीटर होता है, इसमें और एक पैरामीटर होता है जिसे हम स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर या तो फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कह सकते हैं, ओके और हम इसे कंसिडरेशन में लेंगे कोलिजन के हिसाब से प्रॉपर डिरेक्शन में, सो हमें उसका जो रेट हमें ये मिला था, जो हमारा ये जो रेट था इसमें अब चेंज होगा और वो बन जाएगा कुछ ऐसा, रेट इज इक्वल्स टू पी जेड ए बी ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ओके इसमें ये जो पी है ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, सो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्रॉपर डिरेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन, ओके अगर प्रॉपर डिरेक्शन होगा तो हमें इफेक्टिव कोलिजन मिलेगा, सो कुछ पॉइंट्स हैं हम इस थियरी को पढ़ के कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो कोलिजन्स होंगे रिएक्टेंट्स के बीच में वो एसेंशियल होंगे, वो एसेंशियल होंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि कुछ मिनिमम एनर्जी मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट में, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कोलिजन, ऑब्वियस है कुछ एनर्जी होना चाहिए तभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि कोलिजन जो होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में वो प्रॉपर डिरेक्शन में होना चाहिए, प्रॉपर डिरेक्शन, प्रॉपर उसका ओरिएंटेशन, पर उसका ओरिएंटेशन होना जरूरी है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जो रिएक्टेंट है जिसमें हमें फ्रूटफुल कोलिजन, हमें फ्रूटफुल कोलिजन मिल रहा है वो हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, हमें फ्रूटफुल कोलिजन मिला मॉलिक्यूल्स के बीच में तो हमें प्रोडक्ट भी मिलेंगे। बस इतना था इस वाले कोलिजन थियरी के लिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक बार देख लेना ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में से या कहीं से भी, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगा हमारे थियरी पोर्शन का, फिर एक न्यूमेरिकल का वीडियो होगा और एक एमसीक्यू लेक्चर होगा, वो देख लेना, और वो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में जाके जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'm stable.